गुनहगारों का चेहरा बेनकाब करने के लिए एक बार फिर हाजिर है। मैं हूं मोनिका सिंह। हर चेहरा बेनकाब होगा, हर किरदार सामने आएगा और हर गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो शुरू करते हैं साजिश में गुनाह की तफ्तीश। वो अपने पति को भगवान का दर्जा दिया करती थी, उसकी दिन रात सेवा किया करती थी, लेकिन एक दिन उसके पति ने उसकी मोहब्बत का गला घोटकर एक सौतन ले आया। फिर वही रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की लड़ाइयां, रोज रोज के इन झगड़ों से पति आजिज आ चुका था। एक दिन उसने शराब के नशे में रचटारी एक खौफनाक साजिश, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या थी वो दिल दहला देने वाली वारदात, पूरा ब्यौरा देगी हमारी ये रिपोर्ट। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और होठों पर मुस्कान, ये सब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। क्योंकि तस्वीरों में अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाती और खिलखिलाती ये महिला अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, और साथ ही खामोश हो चुकी है वो चहकती आवाज जिसे सुनकर पूरा आंगन खुशी से सराबोर हो जाया करता था। फोटो एल्बम में दिख रही ये मासूम भी सदा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटी के साथ पेश आया है वो खौफनाक वाकया जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपका दिल दर्द से कराह उठेगा। तस्वीरों में दिख रही इन दोनों माँ बेटी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है। मामला बिहार के नालंदा का है और दिल दहला देने वाला ये वाकया नगर नौसा के परसडीहा गांव का है। बताया जा रहा है कि गांव के रहने वाले योगेंद्र ने दो शादियां की थी, इसी वजह से घर में हमेशा कलह का माहौल रहता था। योगेंद्र रोज रात को शराब पीकर आता था, जिसका विरोध योगेंद्र की पहली पत्नी सुमित्रा किया करती थी। वो 17 अगस्त की रात थी। रोज की तरह योगेंद्र शराब के नशे में धुत होकर घर आया था। तभी किसी बात को लेकर सुमित्रा से योगेंद्र का झगड़ा हो गया। एक तो शराब के नशे की खुमारी और उस पर रोज रोज के झगड़े, योगेंद्र ने सारी परेशानियों से निजात पाने की ठान ली। बस फिर क्या था, योगेंद्र ने सुमित्रा पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर डाले और सुमित्रा को मौत के घाट उतार दिया। जब ये पूरा मंजर सुमित्रा की बेटी निधि ने देखा तो वो चिल्लाने लगी। योगेंद्र ने उसकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी। तो स्वीकारोक्ति बयान में उन्होंने बताया कि 17 तारीख को रात्र को ही ऐसा ही घरेलू विवाद उत्पन्न होने पर अपनी दूसरी पत्नी मुन्नी देवी और अपने माता पिता की सहायता से उन्होंने अपनी पहली पत्नी की हत्या कर दी, और जब शोर उनकी बच्ची मचाने लगी तो बचाव के लिए आवेश में हत्या करने के कारण उसकी भी हत्या कर दी गई। दो दो हत्या की वारदातों को अंजाम देने के बाद योगेंद्र काफी डर गया। उसने पूरी घटना की जानकारी घर वालों को देना बेहतर समझा। घर वाले भी योगेंद्र की पहली पत्नी सुमित्रा से निजात पाना चाहते थे। इस पूरी साजिश में योगेंद्र के साथ उसकी दूसरी पत्नी माता पिता भी शामिल हो गए। अब योगेंद्र और उसके परिवार का अगला मकसद था लाशों को ठिकाने लगाना। अगले दिन तक लाश को घर में ही रखा गया और लाशों को ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई। क्योंकि योगेंद्र राजमिस्त्री था, उसके दिमाग ने एक साजिश रची, लाशों को ठिकाने लगाने की साजिश। बस फिर क्या था, योगेंद्र और उसके परिवार ने
दोनों लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दीवार में चुन दिया और घर से फरार हो गई। जब पड़ोस के लोगों को दीवार के पास से बदबू आने लगी तो फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दीवार से दोनों शवों को निकाला, जहां इस दोहरे हत्याकांड से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, वहीं गांव वाले योगेंद्र की इस हरकत से इस कदर गुस्साए हैं कि खुद ही सजा मुकर्रर कर रहे हैं। दीवार मार के और दीवार में पैक कर दिए हैं मारी। किसको? सुनिंद्रा नाम है लड़के को, निजी कुमारी, हमारी जैसी लड़की। लड़ाई कहाँ के लिए चल रहा था? चल रहा लड़ाई कुछ दूसरा शादी कर लिया, तैयो हम लोग सोचे कि भाई करिए लिया तो दोनों मिलकर रहेगा, मिल जुल से मरू था का सैया, मैंने इसको नहीं चाहती थी। ऐसा सजा मिलना चाहिए कि लड़कावों का काटा दिया जाए। माँ बेटी की इस दोहरी हत्या की वारदात के बाद फौरन पुलिस ने एक टीम बनाकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने हत्या के आरोपी योगेंद्र और उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी और योगेंद्र के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी योगेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। छोड़ दिली घर में रह गए रात भर, रात दिन भर रह गई घर में। ओकर बाद बिहान के 9-10 बजे रतिया के कटलिया, फिर रतिया से कटल छोड़ से कटलिया। जहां योगेंद्र और उसके परिवार की ये हरकत इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है, वहीं पुलिस का काम भी काबिले तारीफ है। पुलिस ने घटना की महज कुछ घंटों के अंदर इस खौफनाक हत्याकांड के आरोपियों को धर दबोचा, जो कि वाकई प्रशंसा के काबिल है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस नृशंस हत्याओं की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। पेशे से राजमिस्त्री थे तो डिस्पोजल का इनको कोई रास्ता नहीं मिला और आस पर बात न फैले, इसलिए उसने शव के टुकड़े करके वहीं अपने जो दीवार में उसको चुन लिया। लेकिन एक दिन के बाद ही वहां से दुर्गंध आने लगी और आसपास के लोग के द्वारा पुलिस के बात की सूचना देने पर पुलिस और दंडाधिकारी की प्रतिनिधि करते हुए उसको मजिस्ट्रेट के सामने दीवार को हटाया गया और लाश के टुकड़े बरामद किए गए। और ये प्राथमिकी रात्रि 9 बजे की गई और मात्र 6 घंटे के भीतर चारों अभियुक्तों योगेंद्र प्रसाद, उनके पिता किशुन साव, माता राजकुमारी देवी और दूसरी पत्नी मुन्नी देवी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। जहां एक ही घर में दो कत्लों की इस वारदात से पूरे गांव के लोग खौफजदा हैं, वहीं पुलिस की मुश्तैदी की बदौलत डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले रिश्तों के कातिल पुलिस की गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। बिहार के नालंदा से न्यूज़ टाइम 24/7 के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट।